हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सांभर मसाला बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। घर में ही सांभर मसाला कैसे बनाएं, और अगर आप ऐसे सांभर मसाला बना के रख लेंगे तो जब भी सांभर आप बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लगता है सांभर इस मसाले के साथ, और मार्केट से आपको लाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही इजी वे में आप इसे बना सकते हैं। तो आइए चले देखते हैं किन किन चीजों की हमें जरूरत होगी इसको बनाने में। सांभर मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है मेथी दाना 2 बड़े चम्मच, साबुत धनिया 3 बड़े चम्मच, सूखी लाल मिर्च 15, दालचीनी के 8-10 टुकड़े और 7 तेज पत्ता। अब इन सबको हमें रोस्ट करना है। इसके लिए गैस पर तवा या कढ़ाई कुछ भी रखकर गरम करेंगे और सबसे पहले तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च को रोस्ट करेंगे, क्योंकि इसे रोस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है। देखिए ये रोस्ट हो गया है, इसे किसी प्लेट में रख लेंगे। और अब साबुत धनिया, मेथी दाना और दालचीनी को एक साथ रोस्ट कर लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए आप रोस्ट करेंगे। थोड़ी ही देर में मेथी दाना चटकने लग जाता है, देखिए अभी चटकने लग गया है। और दालचीनी को तोड़ के आप देखेंगे, जैसे मैं तोड़ रही हूँ तो ये तुरंत टूट जाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये रेडी हो गया, रोस्ट हो चुका है। अब गैस को बंद कर देना है और इसे लगातार चलाते रहना है, क्योंकि अगर लगातार आप नहीं चलाएंगे तो ये जल जाएगा। लेकिन इसी में रखना है, क्योंकि गर्म रहेगा तो जल्दी से जब हम इसे इसका पाउडर बनाएंगे तो जल्दी पाउडर बन जाएगा। अब तवा ठंडा हो गया है, इसमें हम तेजपत्ता और लाल मिर्च दोनों को डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। अब ठंडा हो गया है, 10 मिनट तक मैंने छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। इसे मिक्सी के जार में डालकर 1 टीस्पून हींग इसमें डालेंगे, इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। देखिए अभी पाउडर बनके तैयार हो गया है। इसे किसी भी टाइट कंटेनर में रखकर बंद कर देंगे और जब चाहे तब आप सांभर बनाइए। मार्केट से सांभर मसाला खरीदने की जरूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल प्योर घर में बनाइए सांभर मसाला और आनंद लीजिए सांभर खाने का। आप इस रेसिपी को जरूर बनाइए और ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा ये रेसिपी बहुत अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नए रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और सबसे पहले आपको ट्राई करने का मौका मिलेगा। फिर मिलती हूँ मैं अपने एक नए और डेलिशियस रेसिपी के साथ।